भैया देखो ये टाइटल हमने लेके तुमको पता चल गया होगा कि ये वीडियो तुम्हारे काम का नहीं है। ये चीज मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कि मेरे ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर थे, जो कि भाई मतलब काफी ओल्ड पीसी प्लेयर थे, ठीक है, जिनको भाई ये माइक्रो वाइक्रो भाई मतलब छोटी छोटी चीजें अच्छी चीजें पता है। बट अगर आपको नहीं पता तो भाई ये वीडियो आपको काफी हेल्प मिलेगा। आप इन फ्यूचर भाई इस वीडियो को देखने के बाद भाई आराम से भाई बिना हर हर चीजें का मतलब चाहे वो सेटअप गुलवाल का हो, चाहे इमोट का हो, चाहे गन स्विच का हो, चाहे दुनिया भर का जो भी माइक्रो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप लगाना सीख जाओगे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे खास मतलब हर कोई स्पेशल माइक्रो का भाई ट्यूटोरियल नहीं देखना पड़ेगा, आप आराम से लगाना सीख जाओगे। तो एक चीज गाइस आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर, तो आप में से काफी सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई क्या ये जो पीसी के अंदर माइक्रो लगाना क्या ये सेफ है या फिर मतलब अनफेयर तो नहीं है, ठीक है, क्या इसे आईडी वगैरह बैन तो नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब भाई घरेना वालों को जानते हो आप लोग डेवलपर कितने खतरनाक है, वो सब मतलब भाई इसे मजे मजे में आईडी नहीं बंद करते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई इमुलेटर में मतलब इसका एक स्पेशल फ्यूचर मिलता है भाई, इससे कोई भी आईडी वगैरह बैन होने का खतरा नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली जो 99% जो पीसी प्लेयर्स है गाइस वो सब माइक्रो लगाते हैं जरूर, ठीक है, ज़्यादातर बंदे सेटअप के लिए लगाते हैं। तो माइक्रो लगाना गाइस कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आपका इससे आईडी वगैरह बैन नहीं होगा तो भाई इससे मतलब टेंशन मत लेना, ठीक है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अभी गाइस यहाँ पर हम लोग फटाफट का ट्यूटोरियल देख लेते हैं भाई किस तरीके से आपको माइक्रो लगाना है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप लोगों को मैं जो है समझाने के लिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं जो एक सेटअप गुलवाल का गाइस माइक्रो लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, सिंपल वाला नॉकी भाई एकदम एडवांस वाला जो कि भाई मतलब 10-15 गुलवाल लगा देते हैं एक टाइम में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एकदम सिंपल भैया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक बटन से हमारा कैटर जो सीट भी कर जाएगा, ठीक है, वॉल लेके फायर भी कर देगा, ठीक है। तो ये वाला गाइस हम लोग माइक्रो सेट करेंगे। तो भाई आपको सबसे पहले भाई करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना है कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल के अंदर गाइस यहाँ पर आपको जाना कस्टम स्टूडियो के अंदर भाई, कस्टम स्टूडियो खोलने के बाद गेम का कस्टम स्टूडियो खोल लेना, ठीक है, जैसे आप लोग कस्टम स्टूडियो खोलना एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ब्लू स्टैक के ओपन एडवांस सेट है जिसके अंदर हम लोग जो की मैपिंग सेट करते हैं भाई उसके अंदर आपको चले आना, ठीक है। जैसे भैया इसके अंदर आपके यहाँ पर गाइस आपको देख सकते हो साइड में जो तीन चार ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तीन चार भाई बहुत सारा दिख रहा है इसके अंदर भाई, जो दूसरे वाले नंबर पे मतलब ये देखो पहला वाला लाइन यहाँ पर, दूसरे वाले देखो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अगर आपका इसे दूसरे में नहीं दिखता भाई आप इनमें से खोज लेना, आपको दिख जाएगा स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर भैया आपको माउस से राइट क्लिक करके ना इसे क्लिक करके भाई ला के इधर इसे ड्रॉप कर देना, ठीक है, यहाँ से इसे पकड़ना भाई ला के इसे हाथ से छोड़ देना, ठीक है। ऐसा इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो स्क्रिप्ट वाला जो मतलब की मैपिंग जिससे हम लोग यूज करेंगे भाई वो आ चुका है, ठीक है। अभी सबसे पहला काम भाई इसके ऊपर अपने को देना है बटन, ठीक है, मतलब हमें किस बटन से यूज करना है कीबोर्ड का, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली वी देख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वी से यूज करना है। यहाँ पर मैं पहले एक बना के रखा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो हमने इतना काम कर लिया भाई, सबसे पहला काम इसको इधर से ला के रखा और यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपको नीला नीला ऑप्शन दिख रहा होगा भैया, यहाँ पर देखो इसके नीचे ये दिख रहा है, इसके ऊपर आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही भाई आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपका साइड में पेज टाइप खुल के आ जाएगा, एस्केप एडिटर, यहाँ पर आप पूरा भाई यहाँ पर लंबा चौड़ा लिख सकते हो स्क्रिप्ट, ठीक है, जिससे भाई मतलब एक बटन से पूरा गेम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन भैया लेकिन करोगे तो दिक्कत आएगी, तो मतलब बात वो बात दूसरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रिप्ट गाइड मिल जाएगा, अगर आपको देखना चाहे तो देख सकते हो, बट भाई यहाँ पर आपको मैं खुद सिखा दे रहा हूँ, आपको कोई इसको लिखने पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो सिंपली गाइस देखो अभी क्या होता है ना, अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है सेटअप का बता लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, सेटअप गुलवाल का एक माइक्रो लगा के दिखाऊंगा, छोटा सा सिंपल सा, यहाँ पर आपको 10-15 गुलवाल नहीं एकदम भयानक पड़ा, सिंपल सा लगा के दिखाऊंगा। अभी देखो सेटअप वॉल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, भैया हर किसी को पता है, वॉल पकड़ा, हाँ सिट किया कैरेक्टर को, फायर कर दिया, हो गया सेटअप गुलवाल, हाँ स्क्रीन भी नीचे करनी पड़ती है, स्क्रीन या भाई बताएंगे थोड़ी ना मतलब, ठीक है, ये तो भाई हर किसी को पता, ठीक है। बट अभी पीसी में भाई उसको करने के लिए विदाउट माइक्रो 4-5 बटन दबानी पड़ती है, जो कि इसके लिए टाइम लगता है। तो देखो माइक्रो सिंपली भाई करता यही है, आपको माइक्रो में गाइस करना क्या कुछ भी नहीं है, आपको जो भी मतलब भाई अगर आपको फास्ट स्विचिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको फास्ट इमोट दिखाना है तो उसके लिए भाई जो जो स्टेप होता है ना भाई उसका जो बटन होता है ना भाई उसके ऊपर क्लिक करना है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया ना भाई, नहीं आएगा, इसे थोड़ी ना आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है, तो भाई ये सबसे पहला काम, ठीक है, चुप कुछ सब कुछ छोड़ो, यहाँ पर आपको लिखना है ना सब, यहाँ पर आपको इसको ये मतलब जो मैंने स्टेप बताया यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है TAP टैप, ठीक है, टैप। अभी आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात, पर हमने टैप लिख लिया। अभी देखो सेटअप के लिए सबसे पहला स्टेप क्या स्टेप भैया, वॉल पकड़ना है, ठीक है। अभी वॉल कैसे पकड़ना है, तो वॉल वाला बटनिया कहाँ है भाई, ये रहा, तो इसके ऊपर भाई अपने को दो बार बस राइट क्लिक कर देना है। दो बार राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखो कुछ लंबा चौड़ा लिख के आएगा 4.5187, तो उसको मत पढ़ो, उसको पढ़ोगे तो भाई पागल हो जाओगे, ठीक है। हमने यहाँ पर दो बार क्लिक किया, अभी इससे क्या हुआ ना, अब जब भी गाइस हम लोग मैं जिससे मैंने वहां पर हमने वी सेट किया था, ठीक, अभी जैसे मैं यहाँ पर वी दबाऊंगा
तो मेरा जो कैरेक्टर है ना भाई, वो हाथ में वॉल ले लेगा, ठीक है, वॉल ले लेगा भाई अभी, मतलब वॉल ही नहीं लेगा अभी, हम लोग आगे सेट करते हैं। यहाँ पर देखो आपको प्रेस करना है इंटर, ठीक है, इंटर प्रेस करना भैया। यहाँ पर आपको लिखना है WAIT, वेट लिख के भाई 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 SEC आप लिख दोगे तो भी चलेगा, तो पूरा सेकेंड भी लिख सकते हो, बट वेट 0.1 सेकेंड जो कि भाई मतलब जरूरी होता है लिखना, अगर आप नहीं लिखते तो भाई आपको कैरेक्टर अटक सकता है बीच में, ठीक है, आपको दिक्कत आ सकती है, इतना लिखना भाई। अभी इंटर वापस से प्रेस करना, फिर से लिखना TAP। अभी भाई दूसरा काम क्या, सेटअप के लिए, क्या सेटअप के लिए भाई, वॉल पकड़ना है, मतलब सीट कैरेक्टर को सीट करना है, ठीक है, तो सीट करने के लिए भाई सीट वाला बटन ये कहाँ गया, ये रहा भाई नीचे, इसके ऊपर दो बार राइट क्लिक कर दिया, अब इतना कर दिया तो भाई यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है, सिंपल हो गया। अभी यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ डन। अब देखो क्या होगा ना, जैसे ही मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड के अंदर वी प्रेस करूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं वी प्रेस करूंगा तो मेरा जो कैरेक्टर है गाइस वो यहाँ पर गुलवाल पकड़ के गाइस सीट कर जाएगा, ठीक है, सीट कर जाएगा गाइस। इसी तरीके से देखो भाई ये माइक्रो वर्क करता है, ठीक है, इसी तरीके से वर्क करता है। आपको भाई जो भी काम करना, आपको फास्ट रिमोट गन स्विचिंग जो भी भाई, उसका स्टेप पहले, सबसे पहले देखना भाई उसमें क्या स्टेप होता है, ठीक है, पहले क्या करना था, बाद में क्या करता है, उसके बाद भाई स्टेप वाइज ऐसे ही लिखना है TAP लिख के, ठीक है। आपको मतलब जो कोई सा जो सा बटन दबाना भाई, जैसे मेरे को यहाँ पर पहला वाला स्टेप था, ये यहाँ पर ये वॉल दबाना, ठीक है, आपको इसका पोजीशन दो बार राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है आ जाएगा, ठीक है। आपको फिर से वेट लिखना भाई, उसके बाद आपको दूसरा वाला स्टेप लिखना है। अभी दूसरा वाला स्टिक लिखने के बाद तीसरे में देखो सेटअप के लिए क्या करना पड़ता है, फायर करना पड़ता है, ठीक है। तो फायर तो भाई हम लोग यहाँ पर नॉर्मली मतलब माउस से कर लेते हैं भाई, इजी होता है, बट अगर आपको माउस से फायर नहीं करना, अगर आप चाहते हो भैया कि हमारा जो कैरेक्टर वो वॉल लेके बैठे वी दबाए तो, और प्लस फायर भी करते मतलब वॉल भी लगाते, तो भैया आपको करना कुछ भी नहीं, सिंपल लिख देना है WAIT वेट लिखने के बाद 0.1 सेकेंड वापस से लिखना है, ठीक है। इसको भाई हर स्टेप पे जरूर से लिखने जाना है, तो भाई आपका जो कैरेक्टर है ना वो अटकेगा, ठीक है, बीच बीच में कभी कभी अटक जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी वापस यहाँ पर टाइप लिख के भाई यहाँ पर मेरा फायर वाला बटन कहाँ गया, ये रहा भाई, इसके ऊपर दो बार राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर इसका भी पोजीशन आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमारा मतलब सेटअप के लिए जो सिंपल सा माइक्रो था वो लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ बैक, यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ बैक भैया, एंड चलो यहाँ पर ट्रेनिंग आर्मी चल कर दिखाता हूँ भाई आपको ये कैसा मतलब कैसा वर्क करता है। अभी यहाँ पर देखो मैं अपने भैया जो स्कूल है हमारा फ्री फायर का गुलवाल वाला उसके अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। एंड देखो अभी मैं जैसे अपने कीबोर्ड के यहाँ पर देखो वी प्रेस करता हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो वॉल लेके बैठ भी जाता है और भाई यहाँ पर वॉल भी लगा देता है, ठीक है, मतलब वॉल भी लगा देता है। अभी आप लोग बोलोगे भाई तूने एक स्टेप यहाँ पर मिस किया, जो इसे स्क्रीन को नीचे ले जाने वाला भाई उसका कुछ नहीं सीट के, तो देखो भाई मैक्रो में गाइस उसको नहीं लगा सकते, ठीक है, वो हमको माउस से मैनुअली करना पड़ेगा भाई। तो इसी तरीके से भैया आपको वॉल लगाना है, ठीक है, आपको माइक्रो लगाना है, आपको जो भी फंक्शन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको फास्ट इमोट दिखाना है, ठीक है। अभी इमोट के लिए क्या करना पड़ता है भैया, माउस कर्सर को अनलॉक किया, फिर ले जाके भैया यहाँ पर ये हमारा जो है ये भैया इमोट वाले बटन इस पर क्लिक किया, फिर जाके तो इमोट दिखाया, ठीक है, मतलब ऐसा होता है, सिंपल ऐसा होता है। लेकिन इसका हम लोग माइक्रो भी लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपली करना कुछ भी नहीं भाई, स्क्रिप्ट को ला के रखना, यहाँ पर लिखना टैप, लिखने के बाद यहाँ पर हमको इसका ये जो है ये मतलब ये इमोट वाला बटन है इसका पोजीशन दे देना है, एंड उसके बाद भाई हमारा जो भी इमोट दिखाना है उसका पोजीशन दे देना है, ठीक है। वेट लिखने के बाद TAP लिखने के बाद उसका पोजीशन देना है, एंड जैसे भाई आप जो है आप इतना करोगे, एंड आपको भाई माउस में मतलब सिंपल आपने जो कीबोर्ड में जो बटन दिया रहेगा भाई उसको प्रेस करोगे, एंड आपका जो इमोट है भाई वो बिना माउस कर्सर को अनलॉक किए भाई बिना किए भाई आप जो है सिंपल इसे हो जाएगा, ठीक है, एकदम फास्ट इमोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ गाइस आप लोग खुद करना है, मेरे को कमेंट करना भैया क्या आपने कर लिया, अगर आप लोग कर ले तो भाई इसका मतलब आपको जो वीडियो भाई ये देखना मतलब फायदेमंद रहा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ एक और चीज़ भाई यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ गाइस, अभी चैनल पर ना मतलब कॉन्टेंट थोड़ा बहुत चेंज करने का, ठीक है, फ्री फायर से कुछ हटके बनाने का, तो आप लोग कमेंट करो भाई यहाँ पर, मैंने तो भाई सोच रखा भी क्या बनाने का, बट आप लोग गेस करो भाई, आप लोग गेस करो कमेंट में कि मैं अभी क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है। PC के रिकॉर्डिंग वो होगा, कोई भाई मोबाइल वगैरह नहीं होगा, PC के रिकॉर्डिंग होगा। आप लोग गाइस कमेंट करो फ्री फायर सेट के यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है।